हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी सेहत एकदम सही सलामत है और लॉकडाउन पीरियड का आप अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन पीरियड का अच्छे से इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि आप अपना बेसिक जो आपका वीक रहा है कभी भी, वो आप अपना स्ट्रांग कर रहे हैं, ठीक है। और बेसिक्स में दो ही सब्जेक्ट मैं प्रेफर करता हूँ, एक तो आपका मैथमेटिक्स और एक का एप्टीट्यूड। ये दो सेक्शन आपका अगर मजबूत है तो डेफिनेटली आपकी नींव मजबूत है, आप बाकी सब्जेक्ट बहुत ईजिली कर पाएंगे और समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं पर्सनली प्रेफर करता था कि मेरा मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड पहले हो जाए। मेरा कोचिंग स्टार्ट होने से पहले मैंने अपना मैथमेटिक्स कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर पूरा कंप्लीटली लगाया था, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो मेडिसिन की एक बुक आती है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का, सॉरी, हर एक ब्रांच का आपका प्रीवियस ईयर होता है, थ्योरी होती है, उसके बाद क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर उस थ्योरी से रिलेटेड। तो वो मैंने अटेंड करी थी, मतलब कि पहले थ्योरी करी मैंने, फिर उसके क्वेश्चन साथ साथ लगाए थे। तो ऐसे आप करेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएगी। और मैथमेटिक्स में सच कोई डिफिकल्ट थ्योरी नहीं होती है, बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आप जरा जरा सा भी पढ़ के उनको करेंगे तो डेफिनेटली आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाएगा। तो लॉकडाउन पीरियड में आप मैथमेटिक्स कर लो और आप एप्टीट्यूड कर लेंगे तो बेसिक आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। मैथमेटिक्स 15 नंबर का आता है, एप्टीट्यूड 9 नंबर का आता है, और इसी में काफी रैंक का डिफरेंस कई बार बच्चों में बन जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका लॉकडाउन पीरियड का यूटिलाइजेशन की बात हुई। आज का जो वीडियो है वो मैंने इस पर्पस पे बनाई है, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही है बच्चों की कि सर अदर ब्रांच का स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाइए, अदर ब्रांच के लेक्चर भी प्रोवाइड करवाइए, प्लस मैकेनिकल के ही जो लेक्चर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टीचर के आप प्रोवाइड करवाइए, ताकि एक वेरिएशन मिले। और कुछ बच्चों को होता है कि इस टीचर का अच्छा समझ आ रहा है, कुछ बच्चों को इस टीचर का अच्छा समझ आ रहा है। तो प्लानिंग ये है कि मैं एक सब्जेक्ट दो तीन टीचर के थ्रू आपका करवाऊं, प्लस जो अदर ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी टीचर लेके आऊं और स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाऊं एप्लीकेशन में। अब इनके लिए मेरे को आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आइदर तो आप खुद सक्सेसफुल इंसान है, सक्सेसफुल इन द सेंस कि आपकी गेट में या ईएससी में कहीं ना कहीं रैंक आई है, तो आपकी अच्छी रैंक अगर आई हुई है तो आप डायरेक्टली भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे 8708267048, आप इस पर अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना स्कोर कार्ड के साथ, मैं कॉल बैक आपको कर लूंगा। तो अगर आप किसी भी सेंस में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, चाहे वो आप स्ट्रेटेजी के थ्रू कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या फिर आप स्टडी मटेरियल कुछ बनाना चाहते हैं, क्वेश्चन सेट बनाना चाहते हैं, या फिर आप वीडियो लेक्चर बनाना चाहते हैं, या फिर आप किसी कोई टेक्निकल अपना कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना स्कोर कार्ड साथ में प्लीज जरूर भेजिएगा, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। हाँ, अगर आप खुद से सक्सेसफुल नहीं है तो आप अपने आसपास के लोगों को वीडियो शेयर करें, ताकि वो लोग मेरे टच में आ सकें। क्योंकि थोड़ा सा अगर हेल्पिंग हैंड आप दिखाएंगे तो डेफिनेटली बहुत मासेस को हेल्प हो जाएगी, बहुत लोगों को हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि मैं अकेला इंसान बहुत सारी चीजें हैंडल नहीं कर पाऊंगा। ऑफ कोर्स मैं मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, बट मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन सेट मैं अकेला नहीं बना पाऊंगा, या फिर डिफरेंट वेरिएशन मैं हर सब्जेक्ट में नहीं डाल पाऊंगा, या फिर मैं अदर ब्रांच का नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो इसके लिए मेरे को एक टीम की जरूरत पड़ेगी, और उस टीम को बिल्ड करने के लिए आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। डेफिनेटली उसमें आप सबको बेनिफिट होगा, हो सकता है आपके आसपास के लोगों को बेनिफिट हो जाए, आपके दोस्तों को बेनिफिट हो जाए जो दूसरी ब्रांच के हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो आइदर तो आप खुद अगर सेलेक्टेड हैं, आपकी रैंक आ गई, तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करिए, या फिर आप एक जनरल स्टूडेंट हैं तो आप प्रोबेबल जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो मे बी अगर कोई इंटरेस्टेड है जो स्टूडेंट को गाइड करना चाहता है, या फिर जिसकी हॉबी है एज अ टीचिंग, जो पैशन पैशनेट है थोड़ा पढ़ाने को लेके, उन सबको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें लगता है कि सामने वाले का रैंक आ गया है, या फिर अब वो पढ़ाना नहीं चाहता है, या फिर वो कभी किसी को गाइड करना नहीं चाहता है, बट अंदर कहीं ना कहीं हर इंसान के एक हेल्पिंग हैंड होता है। तो आप एक बार थोड़ा उनको कॉन्टेक्ट करिए, उनके पास सिंपल लिंक शेयर करेंगे, उससे भी बात बन जाएगी, ठीक है। बाकी मुझसे जितनी हेल्प हो पाएगी वो मैं डेफिनेटली करूंगा। लॉकडाउन पीरियड का आप भी यूटिलाइजेशन करिए, और जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं, जो ऑलरेडी अच्छी जगह पे हैं अच्छी रैंक लाने के बाद, उनका भी थोड़ा सा हम टाइम यूटिलाइज कर लेंगे तो डेफिनेटली बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाएगी। चलिए, इसके अलावा आप अगर व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसी वीडियो के कमेंट में आप अपना मोबाइल नंबर और अपना रैंक अगर कमेंट कर देंगे विद योर स्ट्रीम, तो मैं डेफिनेटली आपको कॉन्टेक्ट कर लूंगा, ठीक है। और इसके अलावा आपका पर्सनल कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी टॉपिक से रिलेटेड, आप वीडियो चाहते हो तो श्योरली आप कमेंट करिए। मेरी कोशिश रहेगी कि जो रिपीटेड टाइप के टॉपिक है जिनसे रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए, वो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करी जाए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट और अच्छे से पढ़िए।